पिछले कल देर शाम प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के नेतृत्व में ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष विजय कुमार की उपस्थिति में भारत चीन सेनाओं के बीच हुई झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर शाहपुर कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पठानिया ने कहा, शाहपुर युवा कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, सोशल मीडिया, ब्लॉक कांग्रेस प्रधान उप प्रधान बीडीसी, एक्स सर्विसमैन और स्थानीय जनता ने चीन में हुए शहीद भारत के 20 सैनिकों को कैंडल मार्च निकालकर और 2 मिनट का मौन रखकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। पठानिया ने कहा कि देश भर में चाइना का सामान का बहिष्कार जनता करेगी और कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को भी कड़े से कड़े कदम उठाकर चाइना से जो भी संवाद, जो भी व्यापारी समझौते हुए हैं उनको केंद्र सरकार रद्द करे। पठानिया ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है, उस सवाल के साथ हम भी साथ में खड़े हैं। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाइना ने सीमा क्रॉस नहीं की है और चीन के साथ सीमा में कोई विवाद नहीं है, तो हमारे देश के 20 नौजवान कैसे शहीद हुए। पठानिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब चीन के प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा कर रहे थे, तब भी चीन डोकलाम में भारतीय सीमा पर हरकत कर रहा था। युवा कांग्रेस अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के नेतृत्व में भारतीय 20 सैनिक शहीद होने पर कैंडल मार्च निकाला, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। विजय ने कहा कि चाइना ने बड़ी ही गंदी हरकत की है, जो कि बड़ा निंदनीय काम है। विजय ने कहा कि अगर ऐसी हरकत चाइना दोबारा करता है, तो देश का युवा देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जो चाइना के बॉर्डर पे एलएसी पे शहीद हुए हैं, आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछले कल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने और भूतपूर्व सैनिकों ने कल कांग्रेस कार्यालय रैत में श्रद्धांजलि दी, और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सापर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और विजय ठाकुर और उसकी टीम को, और तमाम हमारे जो प्रधान और वरिष्ठ हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज ये कैंडल मार्च यहाँ रखा गया, ये कैंडल मार्च सच्ची श्रद्धांजलि है जिन लोगों ने अपनी जान देश के लिए कुर्बान की है, और खासकर विशेषकर हिमाचल का जो अंकुश ठाकुर 21 साल का जो शहीद हुआ है, उसके लिए जो है ये आज 2 मिनट का मौन और कैंडल मार्च जो है युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया है। मैं युवा कांग्रेस को बधाई भी देना चाहूँगा, और वास्तव में आज जो चाइना इंडिया के उस पर चल रहा है, अब इसमें आ गया कि देश की जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको निर्णय लेना है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 56 इंच का सीना है, अब निर्णय का समय है कि चाइना के साथ अब 6 या 8 महीने या 1 साल पहले किस तरीके से चाय पे चर्चा कर रहे थे, जिस दिन हमने चाय पे चर्चा की उस दिन ही डोकलाम पे कब्जा हुआ है। तो ये वास्तव में चाइना अंदर से जो बात कुछ और कर रहा है, और नीचे से अंदर खाते जो हमारी जो LAC उसका जो उल्लंघन कर रहा है, जो हमारी 1996 में ट्रीटी हुई और जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे 2005 में जो इंडो चाइना ट्रीटी है उस पर उन्होंने जो उसका मैं कहता हूँ सीधा उल्लंघन किया है। कैप्टन हरनाम सिंह ने कहा कि लद्दाख में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उनको शाहपुर कांग्रेस, युवा कांग्रेस और स्थानीय जनता ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरनाम ने कहा कि जनता से पहले चीन के सामान को बहिष्कार केंद्र सरकार को करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार चीन से आयात निर्यात बंद कर दे, तो खुद ब खुद चीन के सामान का बहिष्कार हो जाएगा। जब भारत में चीन से सामान ही नहीं आएगा, तो जनता क्या खरीदेगी। यह हरनाम सिंह चुनियाल, आज जो हमारे लद्दाख में 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी याद में जो हमने कैंडल मार्च जो का आयोजन किया है शाहपुर में, तो ये सारी जनता जो है सैनिकों के साथ खड़ी है, और पूरे जो है सरकार को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। हरनाम जी, पूरे देश भर में सरकार आह्वान कर रही है कि चाइना का जो सामान है उसका बहिष्कार करें, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं क्या सरकार अगर पीछे से सामान लाना बंद कर दे तो इसका बहिष्कार खुद ब खुद नहीं हो जाएगा? नहीं, अगर सरकार ये कदम उठाती है तो जरूरी है कि सारा ही मतलब जनता को ये कदम खुद नहीं करना पड़ेगा कार्रवाई, तो खुद ही अगर सामान आएगा तो बिकेगा ही, हो तो कहीं ना कहीं तो इसलिए सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए कि चलो कुछ एक चीज़ों पर हमें अभी तक थोड़ा टाइम लगेगा उनके निर्भर होने के लिए, तो वो जो जरूरी है वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ का जो है धीरे धीरे सारा बाइकआउट करना चाहिए। जितना आयात कम करेगी तो लोगों का सामान बाजार में कम आएगा, कम खरीदेंगे, लोगों का रुझान अपने आप कम होगा उस सामान की तरफ, और उस सामान सारा फूस बम की तरह होता है जो ड्यूरेबल सामान नहीं है, तो हमारा सामान तो फिर भी ड्यूरेबल है और रिपेयर भी होता है, उनका सामान तो एक बार खरीदो और फेंको।
तो इसलिए लोगों को भी जागरूक होना और सरकार को, पहले सरकार को ये कार्रवाई करनी।